एवरीवन, दिस इज जे मिंटो सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हॉलीवुड। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अगर आप लोगों को क्लास सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, सब सही है, प्लीज लेट मी नो और हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। ओके, चलो शुरू किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। डिसाइड, आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीकली एमसीक्यूज में क्वेश्चंस करते हैं, उसके आंसर्स देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या आप लोग क्या कर सकते हो, जो क्लास डेली बेसिस पर होती है 10 PM पर, इसे अटेंड कर सकते हो। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ओके, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग दिस क्लास, इसको अटेंड करना शुरू कर दो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एटलीस्ट जब तक एग्जाम है तब तक के लिए तो समझ लो कि आपके लिए एक अमृत की तरह काम करेगा। इसे अटेंड करना आप सभी लोग जो है शुरू कर दो अभी से। ओके, चलो अब शुरू करते हैं, आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी सेशन की शुरुआत में? गुड इवनिंग, हेलो, ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द हुनर हाथ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री दैट हैज रिसीव्ड द प्रेस्टीजियस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 सिल्वर मेडल फॉर स्ट्रेंथनिंग कमिटमेंट टू वोकल फॉर लोकल? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द आंसर? सी द क्वेश्चन इज व्हाट, हुनर हाट व्हिच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, इट हैज रिसीव्ड सिल्वर मेडल फॉर स्ट्रेंथनिंग वोकल फॉर लोकल। ओके, किन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ये बड़ी आसान सी चीज है। द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है ऑर्गेनाइज करती है। द रीजन इज व्हाट, सो दैट द आर्टिसंस एंड व्यूअर्स ऑल देयर प्रोडक्ट्स कैन बी शोकेस। ठीक है, इसको शोकेस किया जा सके, बड़े लेवल पर लाया जा सके, जिससे इनके जो भी बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जा सके और उनकी लिविंग स्टाइल जो है अच्छी हो सके। सो इट हैज बीन डन बाय माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, रिसीव द प्रेस्टीजियस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 सिल्वर मेडल फॉर इट्स विनिंग कमिटमेंट टू वोकल फॉर लोकल। ओवर 550 आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन फ्रॉम मोर देन 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेटेड एंड सेट अप मोर देन 300 स्टॉल्स इन 33rd हुनर हाल। ओके, द नेक्स्ट विल बी ऑर्गेनाइज एट सूरत एंड JLN स्टेडियम न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मुख्तार अब्बास नकवी। नाउ, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 6th एडिशन ऑफ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल? ठीक है, तो अभी ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, धनुष, जितेंद्र जोशी और राजकुमार राव। व्हाट इज द आंसर? सी द क्वेश्चन इज व्हाट, बेस्ट एक्टर अवार्ड आपसे पूछा जा रहा है ना? ओके, नाउ आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम हिमानी, राहुल, मनी, अतुल, सुनीता, सैक, रमन, अंशुल, विष्णु, सॉरी वैशु, करण, इश्विंदर, हिमांशु। या द आंसर विल बी व्हाट हियर, द आंसर विल बी धनुष। ओके, नाउ सी, वेटरन एक्टर धनुष हैज बैग्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 6th एडिशन ऑफ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज फिल्म असुरन। द 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन इंडोनेशिया अलॉन्ग साइड 52nd IFFI इन गोवा फ्रॉम नवंबर 20 to 28, 2021। बेस्ट फिल्म साउथ अफ्रीकन फिल्म बरकात एंड रशियन फिल्म द सन अबव मी नेवर सेट्स। बेस्ट एक्टर फीमेल लारा बोल्डरानी फॉर ऑन व्हील ब्राजील। स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड डायरेक्टर यान हैन फॉर अ लिटिल रेड फ्लावर चाइना। एवरी ईयर दिसंबर 1 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एड्स डे अक्रॉस द ग्लोब टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड रिमेंबर ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स टू इट। What is the theme of the day for year 2021? Option: End inequality, end AIDS, end pandemics. Know your status, stop AIDS, keep the promise. Global solidarity, resilient services. Ending the HIV/AIDS epidemic, resilience and impact. What is the answer? Okay, now the answer will be very easy. The answer is what? See, every year December 1 is observed as World AIDS Day across the globe to spread awareness about the disease and remember all those who lost their lives to it. It was first observed in 1988. The theme was End Inequality, End AIDS, End Pandemics. Acquired Immunodeficiency Syndrome is a chronic, potentially life-threatening health condition caused by Human Immunodeficiency Virus. Full form भी याद रखे रहिएगा, ठीक है? Obviously, इसमें जो immunity होती है, वो क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है, okay? Now, after Air India is a second major disinvestment, the central government has approved 100% strategic disinvestment of which of the central public sector company? Central Warehousing Corporation, Central Electronics Limited, Chennai Petroleum Corporation, Cotton Corporation of India, Railtel Corporation. What is the answer?
क्या पूछ रहा है, एयर इंडिया के बाद जो दूसरा मेजर डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो किसका होगा? ओके, नाउ द आंसर विल बी व्हाट? यस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. द सेंटर अनाउंस्ड अप्रूविंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. दिस इज द सेकेंड प्राइवेटाइजेशन दिस फिस्कल. द विनिंग बिडर ऑफर्ड ओवर ₹210 करोड़ अगेंस्ट द रिजर्व प्राइस ऑफ ₹194 करोड़. दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट एट सेलिंग सीईएल आफ्टर द प्रोसेस इन 2016. CEL was established in 1974. It has developed a number of products on its own and in association with premier national and international lab, including defense outfits. Okay, so you need to remember that first of all, it was Air India. Now CEL is being the shares of government will be sold. Under whose chairmanship the Ministry of Social Justice and Empowerment has constituted a three-member committee to review the criteria for economically weaker section reservations. वीके मल्होत्रा, संजीव सन्याल, अजय भूषण पांडे, सुभाष चंद्र गर्ग और अजीत सेठ. व्हाट इज द आंसर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, अंडर हूज चेयरमैनशिप द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ थ्री मेंबर कमिटी टू रिव्यू द क्राइटेरिया फॉर EWS रिजर्वेशन. दिस काइंड ऑफ कमिटीज एंड द चेयरमैन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ कौन चेयरमैन थे. ओके, नाउ Anyone? I'm getting the answers from Anuj, Mani, Rahul Sharma, Vaibhav, Sak, Vashu, Sunita, Raman, Mani. Yeah, the answer will be what here? The answer will be Ajay Bhushan Pandey. The Ministry of Social Justice and Empowerment announced the formation of a three-member committee to review the criteria for EWS reservation. Committee will comprise former Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey, Member Secretary ICSSR Professor V.K. Malhotra and Principal Economic Advisor to Indian Government Sanjeev Sanyal. Okay, it will also send its recommendation to center in next 3 weeks. The office memorandum issued by ministry signed by Joint Secretary R.P. Meena states that the committee is being set up in accordance with the commitment. ठीक है, now this won't be asked इसकी accordance में पूछा गया, but हाँ EWS के बारे में हमें पता होना चाहिए. EWS basically किसको मिलता है, जिनकी यहाँ पे जो annual income होती है that is less than 8 लाख, उन्हें ये दिया जाता है. ठीक है, now ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को किन्होंने रिजर्वेशन देने को कहा है अपने वहां जॉब में 1% का, दैट वुड बी कर्नाटका गवर्नमेंट. इन्हें भी जरा याद रखना. गुड आफ्टरनून नीलमा. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन? हर्षवंती बिष्ट, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, शिवांगी पाठक और प्रेमलता अग्रवाल. वॉट इज द आंसर? फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम नीलिमा, शी इज आंसरिंग ए. एनी वन एल्स? ओके, वैश्यू इज ऑल्सो आंसरिंग ए. ओके, नाउ सुनीता, कृष्णा, हिमानी, नीलिमा, वैभव, रमन, नेहा, सिग्मा, वैशाखी, एम ए. सी द आंसर विल बी व्हाट? दिस इज इजी. सी, नोटेड माउंटेनियर हर्षवंती बिष्ट 62 ईयर्स हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन. दिस इज ऑल्सो IMF, तो इससे घबराना मत कि ये वो वाला IMF नहीं है, डिफरेंट है. ठीक है, नाउ शी वन 60 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 107 वोट्स टू गेट इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ IMF प्रेसिडेंट. She is killed Nanda Devi Peak in 1981, for which she was honored with Arjuna Award. So, as we all know, these days it is also asked ki inhe ye particular award kab mila tha. Okay, so if it is asked, remember Arjuna Award she has won in 1981 only. IMF, this is an apex national body to organize and support mountaineering and rock climbing expeditions at high altitudes in Himalayas. It was founded in 1958. Okay, so remember these points. Another thing also, who is the one who has scaled Mount Everest for the maximum time? That would be Kami Rita. Now just tell me one thing, which is the who is the woman who has scaled Mount Everest in the least time? सबसे कम टाइम में जो है Mount Everest पे चढ़ाई करने वाली कौन सी महिला है? अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शायद से मुझे लगता है एच पर पढ़ा था या यहाँ पर पढ़ा था, बताइएगा मुझे इनका नाम क्या है. Now moving to next. Renowned personality Sri Vinela Sitaram Sastri passed away recently. He was veteran lyricist of which language? Kannad, Malayalam, Tamil, Telugu, Odia. What is the answer? See, question. Kya pooch raha hai? Sri Vinela Sitaram Sastri, he recently passed away. He was lyricist of which language? Kis language ko belong karte the? Now, I am getting the answers from Sunita, Rahul, M.A., Neelima, Prashad, Krishna, Vaishu, Sunita, Sak, Vaishu, Rahul, Mani. See, now the answer will be what? The answer will be Telugu. Okay, veteran Telugu lyricist
Sri Vinela Shastri passed away due to lung cancer. He came to be known as Sri Vinela Sitaram through his surname in Chembulu. Since then, he has penned about 3,000 songs and bagged the Andhra Pradesh government's Nandi Award several times beside other honors. So also remember, this Nandi Award is given by Andhra Pradesh government. Okay. Anyway, one more thing. Just remember one more thing. In which schedule languages are defined? ठीक है, official language हमारे वहाँ पे किस schedule में है? तो ये आपके schedule 8 में होते हैं. Okay. How many? 22 official languages. Who has been appointed as the Prime Minister of Czech Republic? Milos Zeman, Peter Fiala, Andrej Babis, Bohuslav Sapkova, yeah, none of the above. What is the answer? बताइएगा. The question is what? किसको जो है Czech Republic का Prime Minister अनाउंस किया गया है? Anyone? Okay now. प्रसाद, नीलिमा, सुनीता, वैशु, सैक, इश्पिंदर, मणि, कृष्णा, नीलिमा, बैसाखी, वैभव. वैभव, दीज पीपल आर आंसरिंग. द आंसर विल बी व्हाट हियर? द आंसर विल बी पीटर फियला. ज़ेक प्रेसिडेंट मिलोस ज़ेमन नेम्ड पीटर फियला एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ज़ेक रिपब्लिक. फियला लीड्स अ सेंटर राइट कोलिशन. यह हमें नहीं जानना होगा, यहाँ पे याद रखिएगा. ज़ेक रिपब्लिक इज ऑल्सो नोन एज ज़ेकिया एंड वॉज फॉर्मली नोन एज बोहेमिया. इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री. लैंड लॉक्ड कंट्री यानी कि आसपास में जितनी भी है वो कंट्री से सराउंडेड होगा, कोई ऐसी वाटर बॉडी नहीं. ओके, लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप. द कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड एंड स्लोवाकिया. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ओके, ये सारे पॉइंट्स को जरा ध्यान रखे रहना. अच्छा, चेक रिपब्लिक में क्या हुआ था? यहाँ पे हॉकी पैरालंपिक चैंपियनशिप हुआ था इस साल का. हॉकी पैरालंपिक चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ था? ये आपका ज़ेक रिपब्लिक में हुआ था. अगला, विच कंट्री हैज बिकम वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक? बाबाडोस, जमैका, कनाडा, एल सल्वाडोर और कोस्टारिका. गुड इवनिंग बैंकिंग एस्पिरेंट. नाउ सी द क्वेश्चन इज व्हाट? विच कंट्री हैज बिकम वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक? ऑप्शन बाबाडोस, जमैका, कनाडा, एल सल्वाडोर और कोस्टारिका. व्हाट इज द आंसर? Now, the very first answer is from Rahul. He is answering Barbados. Then Nilima, Vaibhav, Prashad, Anshul, Nilima, Sak, Mani, Sunita, Rainbow, Aditya. Everyone is answering. See here. The answer will be what? Barbados. Nearly 400 years after the country became a British colony, Barbados has become the newest republic. The Caribbean island nation removed Queen Elizabeth II as the head of the state in a ceremony attended by Prince Charles. ठीक है, now see. Mason 72 has been the Governor General of Ireland since 2018. Damisandra Prunella Mason, who was selected to become the first President of Barbados last month, took over as President of the country. ठीक है, तो ये जरा याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा important है. कौन यहाँ के पहले President बनाएगा? Important है, पूछे जा सकते हैं आप लोगों के. Okay. Anyway, moving to next. Who has won the men's Ballon d'Or for a record 7th time? Options: Cristiano Ronaldo, Neymar, रॉबर्ट लैंडोवस्की, लानिल मेसी और मोहम्मद सलाह. व्हाट इज द आंसर? ये तो बहुत आसान हो गया. देखते हैं इसके आंसर्स आने वाले हैं, वही है कि सभी आंसर्स भी करने लगे. एनीवे, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, सो इट विल बी अगेन लानिल मेसी. सी हियर, अर्जेंटीना फुटबॉल प्लेयर लानिल मेसी हैज वन द मेंस बलून डी ऑर फॉर अ रिकॉर्ड 7th टाइम. मेसी लेड अर्जेंटीना टू द कोपा अमेरिका टाइटल इन जुलाई आफ्टर लूजिंग इन 4 मेजर इंटरनेशनल फाइनल्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम हिम, बार्सिलोनास एलेक्सिया पुटेलस वन द वुमेन्स बैलन डी'ओर. शी नेटेड इन द चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट चेल्सिया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिनिशेस आउटसाइड द टॉप 3 इन बैलन डी'ओर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010. बैलन डी'ओर अवार्ड्स बाय फ्रांस फुटबॉल मैगजीन. द बैलन डी'ओर हैज बीन गिवन आउट टू मेन एवरी ईयर सिंस 1956 व्हेन स्टैनली मैथ्यूज वन. Indian Railway is constructing the tallest pier railway bridge of the world in which state? Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh or Mizoram? What is the answer? Good evening. देखो क्या पूछ रहा है. Indian Railway जो है ये construct कर रही है tallest pier railway bridge कौन से state में? That is the question. Okay, now I am getting the answers from Prashad, Sak, Mani, Kuldeep, सुनीता, रविकांत, मनी, बैशाखी, ममता, वैशु. यस, ओके, नाउ द आंसर विल बी व्हाट? इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन मणिपुर. इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज ऑफ वर्ल्ड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. इट इज बीइंग बिल्ट एट अ हाइट ऑफ 141 मीटर्स. ओके, करंटली द टॉलेस्ट पियर पियर ब्रिज इज इन
माला रिजेवर का वियाक्ट बिल्ट एट मॉन्टेनेगारो इन यूरोप विथ 139 मीटर हाइट. ओके जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वेयर इट इज करेंटली एंड वेयर द वन विच इज नाउ द बींग हाइएस्ट पियर रेलवे ब्रिज इज बींग कंस्ट्रक्टेड. तो दैट वुड बी मणिपुर. इसके पहले आपका यूरोप में था. क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके नो फर्स्ट एवर आरबी फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूटीज लद्दाख जम्मू हिमाचल असम और मणिपुर. वॉट इज द आंसर. गुड इवनिंग. सी द क्वेश्चन इज वॉट पहली बार जो है अहर्बल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन से स्टेट या यूटी में. ऑप्शन आपके सामने है लद्दाख जम्मू हिमाचल असम और मणिपुर. द आंसर विल बी वॉट जम्मू कश्मीर. द फर्स्ट एवर अहर्बल फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन कुलगम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर विद एन एम टू प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर स्पेशली एट अहर्बल वाटरफॉल एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. द फेस्टिवल वॉज अ कोलाबोरेटिव एफर्ट ऑफ कुलगम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर. Who has been appointed as administrator of the Reliance Capital Limited by Reserve Bank of India after superseding its board of directors? Charan Singh, Nageshwar Rao Y, Atul Kumar Goyal, Ajay Vyas, or Sanjay Kumar? What is the answer? Okay, now the answer will be what here? The answer will be Nageshwar Rao. Okay, recently what happened? Reliance Capital Limited, they were having काइंड ऑफ लोन विच वॉज अनपेड. इनकी जो ड्यू थी वो अभी इनकी जो अमाउंट थी वो ड्यू थी. ठीक है सो सिंस दे वर अनेबल टू पे दैट इज वाई द बोर्ड हैज बीन सुपरसीडेड बाय आरबीआई एंड नाउ नागेश्वर राव इज बीन एडमिनिस्ट्रिंग ऑल दीज काइंड ऑफ बोर्ड. ठीक है तो इसको याद रखे रहेगा. सेंट्रल बैंक इज अपॉइंटेड नागेश्वर राव फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 45(ie)(2) ऑफ आरबीआई एक्ट. With which e-commerce platform the Ministry of Rural Development has signed a memorandum of understanding to sell products made by million of artisans under Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission program on e-commerce platform Amazon, Myntra, Flipkart, IndiaMart or Snapdeal? See the answer will be what? The answer will be Flipkart. Ministry of Rural Development signed a memorandum of understanding with Flipkart to sell product made by million artisans under DNRLM. The move will help artisans reach out 10 crore on Flipkart's existing customer. Partnership is in line with DNRLM's objective of strengthening the capabilities of rural communities for self-employment and entrepreneurship. Which ministry has launched unique face recognition technology that would act as a proof of life certificate for pensioner and ensure ease of living for retired and elderly citizens? Ministry of Personnel, MeitY, Social Justice, Science, Technology, none of the above. What is the answer? गुड इवनिंग. सी द क्वेश्चन इज व्हाट कौन से मिनिस्ट्री ने यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को अभी अपने वहां पर ऐड किया है एज अ प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स. द आंसर विल बी व्हाट. सी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर पेंशनर्स इन न्यू दिल्ली. फेस रिकॉग्निशन टेक्निक ऑफ गिविंग लाइफ सर्टिफिकेट इज अ हिस्टोरिक फार रीचिंग रिफॉर्म एंड दिस विल ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग एंड रिटायर्ड द एल्डरली सिटीजन. It will touch the life of not only 68 lakh central government pensioners but also crore of pensioners who fall outside. ठीक है तो केवल ये central government के लिए नहीं है उसके बाहर भी जो उनके purview के बाहर है उनके लिए भी इसको बराबर रखा गया है. It has been devised by MeitY, okay, information technology and UIDAI. आपसे पूछा था कि इन्होंने लॉन्च किया है ये नहीं पूछा गया था कि किन्होंने इसको जो है इसके बारे में डिवाइस किया इसके बारे में बताया. ओके लॉन्चिंग के बारे में पूछा जा रहा था. एनीवे मूविंग टू द नेक्स्ट. Name the Indian women sports person who has been appointed as brand ambassador of GUVI and Indian Institute of Technology Madras. Smriti Mandhana, Mithali Raj, Rani Rampal, Saina Nehwal, PV Naidu. ठीक है? किसको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर गूवी. What is the answer? Now the answer will be what? गूवी जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास का एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है इन्होंने साइन किया है इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर. ये बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करेंगे टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के बारे में सभी के बीच में खास करके महिलाओं के बीच में. तो हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानना इतना याद रखना है. ये आपकी जो है स्मृति मंधाना और रानी रामपाल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ ट्विटर पराग अग्रवाल लेस्ली बर्लैंड जेनिफर क्रिस्टी विजय गदाया नन ऑफ द अबव. Now, what is the question? Who has been appointed as CEO of Twitter? The answer will be what? Parag Agrawal.
India tech wizard Parag Agrawal takes over as CEO of social media platform Twitter after departure of its co-founder CEO. He succeeded Twitter's co-founder Jack Dorsey, who will continue to serve on the board of Twitter until his term expires in 2022. Parag Agrawal joined Twitter in 2011 and became CTO in 2017. Who among the following is not a member of advisory committee constituted by RBI to assist administrator of Reliance Capital? Sanjeev Nautiyal, Srinivasan Varad Rajan, Praveen K. Kalpe, Nageshwar Rao, why and none of the above? ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन उस एडवाइजरी कमेटी का सदस्य नहीं है जो आरबीआई ने बनाया रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को असिस्ट करने के लिए. ओके, नाउ द आंसर विल बी व्हाट. आरबीआई हैज अपॉइंटेड मेंबर एडवाइजरी कमेटी फॉर असिस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस कैपिटल अपॉइंटेड टू कंपनी डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज. मेंबर एसबीआई एक्स डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव नोटियाल. ओके, एक्सिस बैंक एक्स डीएमडी श्रीनिवास वरद राजन एंड टाटा कैपिटल एक्स एमडी सीईओ प्रवीण पी कादले. ठीक है, आपसे पूछा था ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये कोई कमिटी के तो है नहीं, ये तो कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटर होंगे. ओके, तो इनमें से कौन नहीं है ये पूछा था, यहाँ पे हमारे लिए समझना आसान था थोड़ा सा अगर सोच लिए होते हम लोग. मूविंग टू नेक्स्ट, हु विश्व वन आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल एट 52nd एडिशन ऑफ आईएफएफआई. रिंगू वाड्रिंग, सेविंग वन हु वाज डेड, द फर्स्ट फॉलन, लिंगुई, द सेक्रेड बॉन्ड्स और गोदावरी. व्हाट इज द आंसर? अरे ये तो पढ़ाया था सेशन में, ये कैसे बता सकते हो? व्हाट विल बी द आंसर? लिंगुई, द सेक्रेड बॉन्ड्स. विच डिजिटल पेमेंट मेजर हैज लॉन्च्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हेल्थ एट 999 फॉर फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस बायर्स? पेटीएम, अमेजोन पे, गूगल पे, फोन पे, मोबिक्विक. व्हाट इज द आंसर? आंसर्स बताते चलो फटाफट, हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि आज हम लोग केवल और केवल रिविजन कर रहे हैं पूरे वीक की. Now see the question is, कौन सी डिजिटल पेमेंट मेजर ने लॉन्च किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हेल्थ एट 999. ओके, द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी फोन पे. ओके, फोन पे को अभी रिसेंटली क्या दे दिया गया था, इंश्योरेंस ब्रोकरेज भी अलाउ कर दिया गया इन्हें. तो अब ये इंश्योरेंस ब्रोकरेज का इन्हें लाइसेंस मिल चुका है, दे कैन डू इट. पहली बार शेयर ब्रोकरेज किसको मिला था? पेटीएम को मिला था. Renowned personality Stephen Sondheim passed away recently. He was a veteran, actor, songwriter, dance cartoonist, journalist. What is the answer? क्या पूछे आपसे? Stephen Sondheim जी की मृत्यु हुई है, ये पहले क्या हुआ करते थे? Okay, now the answer will be, veteran songwriter Stephen Sondheim has passed away recently from the comedic A Funny Thing Happened on the Way to the Forum to the groundbreaking Company and experimental Pacific Overtures, his show have transformed the Broadway musical stage. He received Pulitzer Prize and an Academy Award. He was a recipient of Tony Awards plus a 2008 Special Tony Award for Lifetime Achievement. Which intergovernmental organization has approved a $500 million loan to Government of India to help improve the quality of country's school education and mitigate the impact of COVID-19 pandemic on students' learning? World Bank, IMF, ADB, AIIB, NDB. What is the answer? Hello. See, aapse question mein pucha ja raha hai ki kaun se intergovernmental organization ne $500 million apne wahan se loan diya hai Government of India ko taki Bharat ke school education ki jo quality usko achhi ki ja sake. The answer is what? ADB approved a $500 million loan to Government of India for improving the quality of education. ओके, बस आपको याद रखिए इतनी बात को याद रखना. नाउ द लोन विल हेल्प स्केल अप फाउंडेशनल लर्निंग फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स एंड एनहांस द रिलेवेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, स्टीम एंड इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन. तो अगर आपसे पूछा जाता है स्टीम, सारे के सारे जगह पे एक एक सब्जेक्ट को लेना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स. Who took charge as 34th commandant of National Defence College, New Delhi? Ajendra Bahadur Singh, R. Hari Kumar, Manoj Kumar Mago, Srinivasan Varad Rajan, ya Nageshwar Rao Vai? What is the answer? Question mein aapse poocha hai ki kino ne 34th commandant National Defence College ka charge abhi abhi liya hai? Unka naam aapse poocha ja raha hai. What is the answer? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो टुक चार्ज एज 34th कमांडेंट ऑफ एनडीसी. ठीक है, तो जो एनडीसी है नेशनल डिफेंस कॉलेज, इसके 34th कमांडेंट जो है ये मनोज कुमार मागो बनाए गए हैं.
ये किसके इनके पहले कौन हुआ करते थे, डी चौधरी हुआ करते थे, ये उनकी जगह पर अभी भी बनाए गए इस पोस्ट पर। अगला देखो, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। व्हाट इज द आंसर? द क्वेश्चन इज व्हाट? द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी 3rd of December। ठीक है, फर्स्ट को क्या होता है? एड्स डे होता है, ये भी याद रखे रहना। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 3rd। 80% ऑफ टोटल डिसेबल्ड पॉपुलेशन लिव इन डेवलपिंग कंट्रीज। नियरली 1 बिलियन पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 7 बिलियन और अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव विद सम और द अदर फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम? जितेंद्र जोशी, प्रवीण सिन्हा, विवेक जोहरी, पीसी मोदी, एस एन प्रधान। वॉट इज द आंसर? सीबीआईसी के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? ये बहुत ही आसान से वाला है, फटाफट बता दे चलो सभी। द आंसर विल बी व्हाट? सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक जोहरी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। ही विल बी टेकिंग ओवर एम अजीत कुमार, ठीक है, एम अजीत कुमार जी की जगह पर अभी आने वाले हैं। ओके, अच्छा एक और भी बात को याद रखे रहेगा आप लोग कि सीबीआईसी जो है बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है ये गवर्न करती है। इसके पहले ये सीबीईसी हुआ करती थी, लेकिन जब से आपका जीएसटी लागू किया गया तब से इसका नाम चेंज करके सीबीआईसी कर दिया गया। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट डेट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर? 42%, 52, 62, 72, 78। क्या पूछ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से जो सरकार के ऊपर कर्ज है वो उसकी जीडीपी का कितना परसेंट है? प्रवीण सिंह क्या है? स्पेशल डायरेक्टर है सीबीआई के अंदर। देखो इसका आंसर क्या होगा। नाउ सी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी इन्फॉर्म पार्लियामेंट दैट गवर्नमेंट डेट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 62% ऑफ जीडीपी। ठीक है, यानी कि जितना हमारे ऊपर डेट है वो 62% है हमारी जीडीपी का। ये बहुत ही बड़ी चीज है। Who has been appointed as UNESCO Goodwill Ambassador for Cultural and Creative Industries? Naomi Kawase, Naomi Osaka, Rinko Kikuchi, Keio Shibasaki, Suzu Hirose. What is the answer? जल्दी बताओ भाई। The answer will be what? Here, see, UNESCO Director General Audrey Azoulay appointed Japanese film director Naomi Kawase as UNESCO Goodwill Ambassador for Cultural and Creative Industries. She has been recognized for her commitment to culture and creativity. At the service or development of more just societies, especially for girls and women, and offer support for objective of UNESCO. Who has been awarded the Impact Person of the Year 2020 award instituted by Exchange for Media Group to recognize excellence in advertising, media, and marketing domain? Dipinder Goyal, Anupriya Acharya, Falguni Nair, Sanjeev Puri, or Harsh Jain? What is the answer? See, the question is what? The question is, किसको इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया इस साल का? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज संजीव पुरी, हु इज द एमडी ऑफ आईटीसी लिमिटेड। ही इज द रिसिपिएंट ऑफ इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, बस इसको आप लोगों को ध्यान रख के रहना है। ड्यूरिंग द थ्री ईयर सिंस अज्यूमिंग द टॉप रोल फ्रॉम FY 17 टू 20, आईटीसी इज अर्निंग पर शेयर ग्रू बाय 47% ओवर अ सिमिलर पीरियड। Revenue from FMCG increased from around rupees 10,000 crore to nearly rupees 15,000 crore, driven by its 25 powerful mother brands. As per the multidimensional poverty index released by Niti Aayog, which state has emerged the poorest state? Odisha, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, Chhattisgarh. क्या आपसे पूछा है कि जो अभी multidimensional poverty index आई है नीति आयोग के द्वारा, उसमें सबसे गरीब कौन सा राज्य है? The answer will be yes, Bihar. Okay, Bihar has the highest number of malnourished people, followed by Jharkhand, MP, UP, and Chhattisgarh. Kerala, Goa, Sikkim, Tamil Nadu, and Punjab have registered lowest poverty across India. The MPI measures uses the methodology developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative and UNDP.
Which bank has launched India's first standalone metal debit card or black card in partnership with Visa? ICICI Bank, Axis, HDFC, IDFC, Yes Bank. What is the answer? The question is what? कौन से बैंक ने लॉन्च किया है पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड या फिर ब्लैक कार्ड वीजा के साथ में मिल करके? द आंसर इज व्हाट? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ओके, नाउ विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट विल लॉन्च सस्टेनेबल टैंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंशियल एथनिक टूरिज्म स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू टेक टूरिज्म डीप इन टू द स्टेट इंटीरियर एंड रूरल हिंटरलैंड. गोवा, कर्नाटका, असम, केरल और तमिलनाडु. The answer will be what? The answer will be Kerala. Kerala tourism will launch the street project to take tourism deep into state's interiors and rural hinterland. It is an acronym for sustainable, tangible, responsible, experiential, ethnic and tourism hubs. Slow. See, आज हम लोग explanation नहीं करते. मैं आपसे क्या कहती हूँ? पूरे week हम लोग पढ़ते हैं news को और आज के दिन केवल और केवल हम लोग questions करते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वन लाइनर फॉर्म में आए होते हैं, वो भी आपको आज दे दिए जाते हैं. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको नेक्स्ट वीक के साथ में हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, इसलिए आज के दिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीए इंस्टीट्यूट्स क्वालिटी रिव्यू बोर्ड? विवेक जोहरी, रजनीश कुमार, शिफाली शाह, हर्षवंती बिष्ट और बिमल पटेल. बताइएगा क्या पूछा गया है? कौन सीए इंस्टीट्यूट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का चीफ बनाया गया है? गुड इवनिंग. द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज शेफाली शाह. ओके, देख लो. QRB established under Chartered Accountant Act 1949 has 11 members including 6 nominees of central government, chairman and 5 members. The CA Institute has 5 nominees to QRB. It may be recalled that the QRB was constituted by central government in June 2007. पहली बार बनाया गया था, ठीक है? Who has been appointed as first deputy managing director of IMF? Jagdish Bhagwati, Abhijit Banerjee, Geeta Gopinath, Jayanti Ghosh, Bina Agrawal. What is the answer? Thank you so much, Adi. Telegram this. GACA by Sushmita ma'am. This is the Telegram group. Okay? The question was who was the very first deputy managing director. ठीक है, sorry, very first नहीं, first deputy managing director. जैसे कि सबसे पहला जो post होता है वो MD का होता है, उसको हम लोग first official कहेंगे. Second official हम लोग कहते हैं उस post को जो इसके just नीचे होती है, और उस post का नाम होता है first deputy managing director. ठीक है, और ये अभी भी गीता गोपीनाथ जी बनाई गई हैं, because इनकी macro economy पे अच्छी पकड़ है. इस वजह से जो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है उन्होंने कहा है कि अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो मैक्रो इकोनॉमी को बढ़िया समझे. बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी जो है चेंजेस हुए हैं, इस वजह से गीता गोपीनाथ जो कि पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी IMF की, वही IMF की अब फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दी गई हैं. ओके, अरे ये क्या है ग्रुप बताया तो ये है ग्रुप GACY सुष्मिता मैम, ये टेलीग्राम ग्रुप ही है मेरी, स्क्रीनशॉट ले लो. एनीवे देखो, She will become the second ranking official replacing first deputy managing director Geoffrey Okamoto. ये इन्हें क्या करने वाली है? रिप्लेस करने वाली है. Magdalena Anderson has been reappointed prime minister of which country less than a week after she resigned within hours of taking the job? Denmark, Sweden, Belgium, Norway, Finland. What is the answer? Now see, the answer will be what? Sweden. Okay. Which state government has signed an MOU with German Federal Employment Agency, the German government agency in charge of recruitment for the hiring of nurses? Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh or Telangana? Okay, questions ko main next class se Hindi mein bhi rakhi hungi, theek hai? Jo daily hamare questions hote hain wo to Hindi mein bhi hote hain. 10 pm, okay, jo 10 pm current affairs hota hai yahan pe hum log Hindi mein bhi questions karte hain. The question was, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया MOU जर्मन फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ में, जो जर्मन गवर्नमेंट एजेंसी है इन चार्ज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग ऑफ नर्सेज? द आंसर विल बी केरल.
Which bank has announced a partnership with Europe-based payment and transaction service firm Worldline to enable equated monthly installment payment via Kotak debit card in India? Federal, ICICI, Kotak Mahindra, Access or Yes Bank? What is the answer? See, the answer will be what? The answer will be Kotak Mahindra Bank. Okay? देखो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे, आज एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे. जिसे भी चाहिए वो डेली क्लास में आ सकता है, क्लास अटेंड करने. आरबीआई हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रसन्न कुमार मोहंती टू रेज कैप ऑन प्रोमोटर्स स्टेक इन प्राइवेट बैंक्स फ्रॉम द करंट 15% टू व्हाट परसेंट इन 15 इयर्स? 20%, 21%, 26%, 30% और 35%? ये तो बहुत आसान हो गया, द आंसर विल बी 26%. Who won women's Ballon d'Or event held in Paris? Irene Pirates, Alexia Putellas, Assisat Ochoa-Hals, Lieke Martins or Alex Morgan? अभी ये भी हमने पढ़ा, किसे जो है women's का Ballon d'Or मिला, ये मिला है Alexia Putellas. ठीक है, याद रखे रहेगा. ओके, द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज बीन रैंक्ड एट व्हाट पोजीशन अमंग टॉप 300 कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड इन 2021 एडिशन ऑफ 10th एनुअल वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ? सी द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी फर्स्ट. Name the digital customer feedback program launched by Indian Oil, BPCL and HPC to enhance service standard and amenities across their network. Darpan at petrol pump, feedback, sahayata, assistance or none? What is the answer? अभी इन तीनों कंपनीज ने मिलकर के एक अपने वहां पर नए तरीके का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिससे कस्टमर फीडबैक के बारे में पता चल सके. इसी का पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है, इस प्रोग्राम का. Answer will be Darpan at petrol pump. Which bank has launched a feature-rich saving bank product called Mahila Mitra Plus for women? ICICI, HDFC, Federal, Access or Yes Bank? What is the answer? Question को ध्यान से देखना है. कौन से बैंक ने लॉन्च किया है feature-rich saving bank product called Mahila Mitra Plus for women? Answer will be Federal Bank. Private sector Federal Bank has launched a feature-rich saving bank product for women. It is called Mahila Mitra Plus and provide a curated set of features. The 47th edition of India International Science Festival 2021 will be held in Pune, Maharashtra, Panji, Goa, Bhopal, Lucknow or Ranchi? What is the answer? क्या पूछा है? जो 7th edition होगा किसका? इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, ये कहां पर होगा, है ना? नाउ सी, द सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन पणजी गोवा. इट इज अ 4-day फेस्टिवल दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 टू 13th अक्टूबर 2021. हु विल ऑर्गेनाइज? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा. दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट. ओके, More than 100 scientists from all different fields will participate and 740 science films from 70 countries will be screened. Theme will be based on Azadi Ka Amrit Mahotsav with the motto of celebration of science and its promotion by all. Made in Colombo Security Conclave focused operation is being conducted between the lead maritime security agencies of India, Sri Lanka and which other country? Australia, Malaysia, Singapore, Maldives or Mauritius? Kya pucha hai? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में? श्रीलंका, इंडिया और तीसरी कौन सी कंट्री है? आंसर इज व्हाट? द आंसर इज मालदीव्स. अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ नामदा क्राफ्ट. द नामदा क्राफ्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूटी? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम? Answer will be what? The answer will be Jammu, Kashmir. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched two projects. Revival of Namda Craft of Kashmir as a pilot project under Pradhan Mantri Kaushal Vikas 3.0. Upskilling of artisans and weavers of Kashmir under recognition of prior learning component of PMKY. What is the aim to boost and preserve the traditional Namda Craft of Kashmir and upskill the local weavers and artisans to enhance their productivity through RPL assessment and certification? Which film has won Golden Peacock Award at 52nd IFFI?
गोदावरी रिंगू वांडरिंग सेविंग वन हु वाज डेड चार्लोट या फर्स्ट फॉलन व्हाट इज द आंसर क्या पूछा गया है कौन जो है 52nd IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड पाया है आंसर विल बी रिंगू वांडरिंग ओके 52nd IFFI इन गोवा कंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल वाज होस्टेड अलोंग साइड IFFI OTT platforms participated in 75 creative young minds of cinema were felicitated at IFFI Golden Peacock Award Ringu Wandering Masakazu Kaneko Best Director Van Cleef Gardner ka Saving One Who Was Dead Best Actor Male Jitendra Joshi Godavari Best Actor Female Angelina Angel Molina Paraguay The Special Jury Award Renata Carvalho Brazil Who assumed charge as Flag Officer Commanding in Chief of Western Naval Command? Ajendra Bahadur Singh, R. Hari Kumar, Nageshwar Rao, Srinivasan Varadarajan, or none of the above? क्या पूछा है किसे जो है Flag Officer Commanding in Chief Western Naval Command का बनाया गया है? The answer will be Ajendra Bahadur Singh. He succeeds R. Hari Kumar. Okay? Now, he was commissioned into Navy on 1st July 1983 and is a specialist in navigation and direction. R. Hari Kumar kya banaya gaya hai abhi abhi? Inhe kis post par rakha gaya hai? Which digital payment company has signed MOU with Directorate of General Training in Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to train 6,000 individuals over a period of 3 years rapidly growing fintech industry? Kya puchhe ja raha aap logon se? Ki कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी ने एमओयू साइन किया है डीजीटी के साथ में एफडीएससी के साथ में ताकि 6,000 इंडिविजुअल को 3 साल में ट्रेनिंग दी जा सके जो ग्रोइंग फिनटेक इंडस्ट्री है उसमें पेटीएम अमेजोन पे गूगल पे फोन पे और मोबीक्विक द आंसर इज व्हाट द आंसर इज पेटीएम विच कंट्री हैज होस्टेड 9th मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम इंडिया बांग्लादेश नेपाल भूटान और श्रीलंका क्या पूछा है किन्होंने बिम्स्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप काउंटर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम की 9th मीटिंग होस्ट करी है 9th मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम वाज होस्टेड बाय भूटान इट वाज अटेंडेड बाय बिम्स्टेक मेंबर बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका एंड थाईलैंड India would be hosting 10th meeting of BIMSTEC Joint Working Group on Counter-Terrorism and Transnational Crime in 2022. Which bank has signed a master agreement with Adani Capital for co-lending to farmer for purchase of tractor and farm implement to increase efficiency in farm operation and productivity of crop? Bank of India, State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda or Union Bank of India? कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि को लेंडिंग अग्रीमेंट अदानी के साथ में कौन सा बैंक किया है एसबीआई ने किया है ठीक है यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल ऑन विच डेट एवरी ईयर 25th नवंबर 26th नवंबर 27th नवंबर 28th नवंबर और 29th नवंबर द आंसर इज व्हाट द आंसर विल बी 29th ऑफ नवंबर सिंस 1978 ओके UN Secretary General Antonio Guterres called upon international community to reaffirm its commitment to people of Palestine in building their future. ठीक है इतना आप लोगों को नहीं जानना है बस इतना याद रखना है कब होता है ओके एनीवे इफ यू लाइक द सेशन गिव इट अ लाइक कोई दिक्कत दुख परेशानी तो आप लोग बता दीजिएगा मेरा नाम है सुष्मिता त्रिपाठी ओके कोई भी दिक्कत दुख परेशानी तो आप लोग बताइएगा सेशन के नीचे कमेंट करके डेली ये क्लास करंट अफेयर्स की होती है आप लोग देख सकते हो नाइट 10 PM रात में 10 बजे होती है ये बहुत ही अलग है बाकी सारे सेशन से बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फायदेमंद है सो प्लीज टू शेयर इट ठीक है इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज टू शेयर इट विद ऑल अदर पीपल बाकी ग्रुप्स में भी शेयर करो क्योंकि ये रात में 10 बजे है तो बहुत सारे लोग चाहो तो इसे इजिली अटेंड कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो इस पे कोई कोर्स लेना तो यू कैन टेक एंड यू कैन अप्लाई दिस कोड सुष्मिता इससे आप लोगों को एडिशनल 5% ऑफ मिलता है टेलीग्राम ग्रुप क्या है GACA बाई सुष्मिता मैम ओके आपको ऑलिव बोर्ड पर यूट्यूब पे मेरी 2 क्लासेस मिलेंगी 8 बजे मिल जाएगी और ये जो अभी 10 बजे हुई है ये डेली होती है ओके नाउ फिर मिलेंगे टिल देन हैव अ गुड डे टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत गॉड